सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। सात्विक चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन मेंस डबल्स में इंग्लैंड के बॉनलेन और शॉन विंडी को हराकर ये मेडल जीता। सात्विक चिराग ने फाइनल मैच 21-15, 21-13 से जीता। मैच शुरू होने से खत्म होने तक सात्विक चिराग ने इंग्लिश जोड़ी पर प्रेशर बनाए रखा। लेन विंडी ने पहले सेट में कई बार चिराग सात्विक का सर्व ब्रेक करने की कोशिश की, पर ऐसा कर नहीं पाए। इंडिया की नंबर वन जोड़ी ने सर्व से पहले सेट में 12 और दूसरे सेट में 11 पॉइंट्स बनाए। पहला सेट हारने के बाद लेन और विंडी ने वापसी करने की कोशिश की, पर चिराग और सात्विक ने 8 पॉइंट की लीड लेकर पहले ही मैच खत्म कर दिया। दूसरे सेट में मामला थोड़ा फंसा। लेन विंडी ने लंबी रैलियां खेलकर सात्विक चिराग को उलझाए रखा। एक रैली तो 61 स्ट्रोक्स तक भी गई। हालांकि मैच पर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब आपको चिराग सात्विक की गोल्ड मेडल तक के सफर के बारे में भी बता देते हैं। पहले राउंड में दोनों ने पाकिस्तान के अली मुराद और मोहम्मद भट्टी की जोड़ी को हराया। अगले राउंड में सामने थे ऑस्ट्रेलिया के जेकब स्यूलर और नेथन टैंग। इस मैच का भी वही रिजल्ट रहा। टूर्नामेंट का तीसरा मैच सात्विक और चिराग के लिए अहम होना था। सामने थे मलेशिया के चान पेंग और कियान टान। पहले सेट में सात्विक चिराग ने कमाल का गेम दिखाया और इसे 21-5 से जीत लिया। दूसरे गेम में पेंग टांग ने वापसी करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सात्विक चिराग ने देखते ही देखते मैच 21-6, 21-15 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद फाइनल में क्या हुआ ये हमने आपको बता ही दिया है। 2018 गोल्ड कोस्ट में सात्विक चिराग ने सिल्वर मेडल जीता था। फाइनल में उन्हें इंग्लैंड के मार्कस एलिस और क्रिस लिंगरिज ने हराया था। हालांकि उन्होंने मिक्स टीम इवेंट में जरूर गोल्ड जीता था। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट मिक्स टीम में ये दोनों भी शामिल थे। सात्विक और चिराग ने इंडिया के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के बाद 2022 इंडिया ओपन में इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने, इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने और मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।